हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आपके सामने मल द्वार से संबंधित हर तरह के रोग को लेके, उससे संबंधित लक्षण को लेके नई नई जानकारी आपके सामने शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो जानकारी हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं वो सेंटिनल टैग को लेके है, जिसको हम एक पाइल की कैटेगरी में मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पाइल मास होता नहीं है, क्योंकि जो पाइल मास होते हैं वो मल द्वार के अंदर से बाहर आते हैं, और सेंटिनल टैग जो होता है वो एक चमड़ी का बढ़ा हुआ रूप होता है, जिसकी वजह से कभी भी पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये सेंटिनल टैग जीवन भर भी पेशेंट को पड़ा रहे तब भी कोई प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं होने वाली, लेकिन प्रॉब्लम आती कब है सेंटिनल टैग से, इसी के बारे में आज अब बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटिनल टैग जो एनल एरिया, जो हमारा मल द्वार है, उसके बाहर जो मस्सा पड़ा होता है और जो लगातार लंबे समय से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल लगातार पेशेंट को पड़ा रहता है, और पेशेंट को कभी कभी अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है, अचानक जलन बननी शुरू हो जाती है, तो पेशेंट को लगता है कि ये जो मस्सा है इसी की वजह से मेरे को दिक्कत है, और पेशेंट अपनी कंप्लेन जो करता है वो हमारे पास आके ये करता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाके, कि सर मेरे को बवासीर है। और जब उसको चेक किया जाता है तो फ्रेंड्स उसको फिसर निकलता है, जिसको हम क्रोनिक फिसर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो जो फिसर है उसी के साथ वो मस्सा लगा हुआ होता है, और उस ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस मस्से का वो नीचे की तरफ होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लगातार पेन की प्रॉब्लम बनती रहती है। लेकिन पेन फ्रेंड्स जो बनता है वो फिसर की वजह से बनता है, ना कि उस मस्से की वजह से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कहने का मकसद है कि जो सेंटिनल टैग है वो कभी भी आपको जीवन में परेशान नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी अगर वो मस्सा किसी घाव के साथ लगा हुआ है, पुराने जख्म के साथ लगा हुआ है, तो उस मस्से को निकालना मजबूरी होती है, क्योंकि वो उस जख्म को भरने नहीं देता। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सेंट्रल टैग पड़ा होता है और मल द्वार के अंदर कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट को सेंट्रल टैग से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक्सरसाइज आउट करा सकते हैं, अगर ना भी चाहे तो कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ना उससे कोई घबराने की बात है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारी वीडियो बनाने का मेन मकसद था वो यही था कि आपको ये बता दें कि सेंटिनल टैग जो होता है वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा ऐसा लाइफ थ्रेटेंड पाइल मास होता जिसकी वजह से आप घबराएं। तो इसको लेके बिल्कुल भी ना घबराएं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको घाव भी बना हुआ है और सेंटिनल टैग भी है, तो जैत्यादि तेल को रेगुलर यूज करते रहें, आपकी प्रॉब्लम स्लोली केवल और केवल जैत्यादि तेल भी खत्म कर सकता है। मस्से से जो सेंटिनल टैग है उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और बात बता दें आपको कि ये जो पहाड़ के पाइल मास होते हैं और इस तरह के पाइल मास को लेके जो पेशेंट होम्योपैथ, आयुर्वेद या कोई इंजेक्शन थेरेपी लेते हैं या लगवाते हैं इधर उधर, उनका अपना समय और पैसा बर्बाद होता है, तो ऐसा काम ना करें। जो भी सलाह लेनी है अपने स्पेशलिस्ट से एक बार सलाह ले लें। आपकी कंसल्टेशन केवल एक बार जाएगी ज़रूर, लेकिन आपकी जो सलाह है, आपका जो कंसल्टेशन है वो बहुत अच्छा मिलेगा, और आप अपनी बीमारी से बहुत अच्छी तरीके से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ दूसरों का भला हो। जय हिंद, जय भारत।